बीकानेर में कुछ दिनों पूर्व रतन बिहारी पार्क मंदिर के पास वूलन मार्केट में अग्निकांड हो गया, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और धुंध कर सारा बाजार जल गया। इतने दिन बीत जाने के बाद भी बीकानेर का जिला प्रशासन पूरी तरह से नहीं चेता है। बीकानेर में अभी भी ऐसा आधा दर्जन से भी ज्यादा अस्थायी बाजार बने हुए हैं, जहां पर गर्म कपड़ों का मेला सजा हुआ है। उनमें किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वहां पर भी यदि आग जैसी अनहोनी हो जाए तो वहां पर भी सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। बीकानेर का जिला प्रशासन के द्वारा इन मार्केट चलाने वालों को नोटिस जरूर दिए गए हैं, लेकिन इन नोटिस के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ती देखी जा सकती है। इस बारे में जब बीकानेर के एसडीएम अशोक विश्नोई से बात की तो उनका कहना था कि हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे और सुरक्षा साधन को पहले देखा जाएगा। रिसेंटली जो दुखद घटना हुई बीकानेर मार्केट में लेकर के, उसके बाद में प्रशासन अलर्ट पे है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार शहर में बिना परमिशन के कोई भी शॉप नहीं चले, इसके लिए संबंधित एसएचओ और डीवाईएसपी उनको लिखित पाबंद भी किया गया है। और नई परमिशन जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उसके पास फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे हों और निगम से फायर ऑडिट उसकी जो रिपोर्ट की जाए।